पुलिस ने उमर सरफराज चीमा की अहलिया को हिरासत में ले लिया है। साबिक गवर्नर पंजाब की बीवी एटीसी अदालत में अपने शोहर से मिलने आई थी। अपडेट कर रहे हैं आपको, पुलिस ने उमर सरफराज चीमा की अहलिया को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि साबिक गवर्नर की बीवी एटीसी अदालत में अपने शोहर से मिलने आई थी। नौमान नूर हमारे साथ है, उनसे अहवाल जानेंगे। नौमान, अपडेट कीजिएगा। जी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के मरकजी दरवाजे के बाहर से जो है इनको गिरफ्तार किया गया। जबकि उमर सरफराज चीमा की अहलिया को जब पुलिस की जानब से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो उस वक्त वहां पर जो मौजूद वकला थे उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार किया और कहा कि किस बिना पर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे खिलाफ क्या जुर्म है और हमारे खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज किया है, उसकी तफसील बताएं तो ही आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। जबकि इस हवाले से पुलिस का कहना था कि हमने इनसे तफ्तीश करनी है, अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे, सिर्फ तफ्तीश के लिए इनको थाने मुंतकिल कर रहे हैं। जिस पर वकला ने कहा कि किस थाने में लेकर जा रहे हैं ये तो बताया जाए हमें, जिस पर पुलिस ने ये भी ना बताया कि किस थाने में लेकर जा रहे हैं, लेकिन इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की मरकजी दरवाजे के बाहर से साबिक गवर्नर की अहलिया को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि इस हवाले से आज सुबह से ही पुलिस की भारी नफरी जो है इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में तैनात थी और पुलिस की जानब से आज काफी इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सख्ती भी की गई और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, साइलिन यहाँ पर आते हैं, उनको बाकायदा अच्छी तरह चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत दी जाती है और कई समय नाम देकर दाखिले की इजाजत दी गई। लेकिन आज जब साबिक गवर्नर की अहलिया यहाँ पर इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पहुंची तो उनको पहले तो इंसदादे दहशतगर्दी के अदालत के मरकजी दरवाजे पर रोका गया, बाद में उनको जाने की इजाजत दी गई। जब अंदर वो मुलाकात करके बाहर निकली तो उनको हाथा अदालत से ही जो है लेडी पुलिस एहलकार जो यहाँ पर तैनात थी उन्होंने हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसके बाद उनके वकला साथ मौजूद थे वो उनको हाथा अदालत से बाहर ले गए। जब मरकजी दरवाजे पर पहुंचे तो मरकजी दरवाजे के बिल्कुल सामने पुलिस ने अपनी प्राइवेट गाड़ी जो है वो खड़ी कर रखी थी, जिसके अंदर उनको बैठने का कहा गया और पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर मजामत करेंगे तो हम खुद जो है वो ठीक है। नुमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।